बाबा बागेश्वर धाम ना नाम थी प्रख्यात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात पवित्र यात्राधाम अंबाजी की धरा पर आ रहा है, जेने लईने अंबाजी में तमना आगमन की तड़ामार तैयारियों ने आखरी ओप अपायो छे। नवरात्रि की शुरुआत तारीख 15, 16 और 17 तारीखे त्रण दिवस बाबा बागेश्वर अंबाजी में रहे, तो बाबा बागेश्वर दिव्य दरबार और हनुमान कथा माटे अंबाजी में जीएमडीसी ग्राउंड खाते विशाल डोम बंड बनावामां आव्यो छे। आज नवरात्रि प्रथम दिवस दीप प्रागट्य और हनुमान कथा आयोजन, जेमां गुजरात अनेक नेताओं साथ साधु संतो दीप प्रागट्य पहुंचे तेवी शक्यताओ छे। नवरात्रि ना बीजा दिवसे 16 तारीखे बाबा बागेश्वर नो दिव्य दरबार। बाबा बागेश्वर ना नाम थी प्रख्यात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नो आज अंबाजी खाते आगमन थशे ने त्यारबाद अंबाजी में त्रिदिवसीय तेमनो दिव्य दरबार छे ते योजावानो छे, जेने लईने न फक्त गुजरात परंतु देशना विविध भागोमांथी तेमना जे भक्तो अने अनुयायीओ छे ते अहीं उमटी पड्या छे। आप जोई रह्या छो के मोटी संख्यामां जे बाबा धीरेन्द्र शास्त्रीना जे भक्तो छे ते अहीं आव्या छे ने बाबाना दर्शन करवा माटे तेमनी फक्त एक झलक मेळवा माटे आव्या छे। तो अनेक भक्तो एवा छे के तेमनी जे समस्या छे निराकरण करवा माटे आव्या छे। आपणे सीधी ज भक्तो साथे वात करीशुं के तेओ क्यांथी आव्या छे, शुं मनोकामना लईने आव्या छे। भाई साहब, कहां से आप आए हो और क्या मनोकामना है? हम उदयपुर से आए हैं और धीरेन्द्र जी शास्त्री जी हम मानते हैं उनको, बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, उनका दर्शन करने के लिए हम आए यहाँ पे और हम मानते हैं दिल से। और जय धीरेन्द्र जी शास्त्री की जय हो और बागेश्वर धाम की जय हो। धाम भी गए थे बागेश्वर धाम और यहाँ पे भी हमारे पास में ही पड़ता है राजस्थान में, उदयपुर से हैं हम, उदयपुर के पास गोगुंदा वहां से आए हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के दर्शन भी कर लेंगे साथ में। और हम चाहते हैं गुरु जी के दर्शन हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी यहाँ पे, बस उन्हीं की आभा हमें यहाँ खींच लई है। नगर थी आयो छू और हम तो खरेखर बीएपी स्वामीनारायण संप्रदाय नो चुस्त हरिभक्त छु, पण बापा नो धीरेन्द्र शास्त्री नो प्रवचन होबड़ी बहुत आनंद थाय छे अने जे चिट्ठी खोलवा में जे वात करे छे एनाथी खरेखर बहुत खूब आनंद थाय छे अने एमने खाली दर्शन प्राप्त करवा माटे जो अहीं आयो छु। त्रण दिवस कार्यक्रम छे, केटला दिवस रोकावानो? त्रण दिवस रोकावानो, सांभळवानो सबने, 3 दिवस माटे रोकावानो छु। गुजरात पाटण से आया हूँ धीरेन्द्र शास्त्री और महाराज का दर्शन करने। जो पर्चे फाड़ते है वो अच्छा लगता है देखने में, जो सबकी समस्या निराकरण करते है वो भी अच्छा लगता है। बहु आनंद छे, अमे राजस्थान माउंट आबू रेवदर थी आया छा, बाबा ने दर्शन करवा आया छा, बागेश्वर धाम नी श्रद्धा थी आया था, पूर्व श्रद्धा थी आया छा, एटले दर्शन करवा आया छा। हिंदुत्व की इच्छिक रहे वो हिंदुत्व बनाएंगे, भारत राष्ट्रीय को हिंदुत्व बनाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री गुरु जी मैं बोलना चाह रहा हूँ, इच्छा ही करेंगे ये। जो धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बोलते है कि भाई मुझसे मत जुड़ो, हनुमान से जुड़ो, ये हनुमान अपना कलयुग के अवतार है और हनुमान जी सच है, भक्त है, जो भक्त है वो भक्ति का आनंद लेते हैं, ये मेरी मनोकामना है और बागेश्वर बालाजी की जय हो। हूँ सिलासणा थी आऊ छू, धानेरा तालुको छे, अने बाबा ना दर्शन माटे आव्यो छू अने बहु मनोकामना अमारी छे अने बहु प्रचार धारी छे हनुमान दादा। जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम। अलकेश राव, जी मीडिया, अंबाजी। सनातन धर्म ना प्रवक्ता ने बागेश्वर धाम ना पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज थी यात्राधाम अंबाजी में 3 दिवस नु जे कथा नु अने दिव्य दरबार नु जे कार्यक्रम योजवा जई रह्या छे तेने लई धीरेन्द्र शास्त्री जी अंबाजी पहोंचवाना छे। ते त्यारे आपणे बतावा मांगी साजे कथा जे थवानी छे तेनी संपूर्ण तैयारीओ कराई रही छे अने आजे ज्यारे अंबाजी पधारी रहेला पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सीधा पोताना मंच ऊपर एटले के सभा स्थळ ऊपर पहोंचशे अने आजे भगवान श्री हनुमान नी कथा पण करवाना छे। आजे आ मंच ઉપરથી જ્યાં પંડિત ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી પધારી રહ્યા છે ત્યાં બનાસકાંઠાના બોમ્બ સ્કોડ દ્વારા સંપૂર્ણ સુરક્ષાની તપાસણી ચકાસણી પણ કરીને આ સ્થળને એકદમ સુરક્ષિત કરી દેવામાં આવ્યું છે। એટલું જ નહીં, આ જે સ્થળ છે તેમાં લગભગ 2 લાખ ઉપરાંત જેટલી પબ્લિક પણ આવવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેને લઈને ઇસ્કોન ગ્રુપ દ્વારા જે પબ્લિક આવવાની છે તેના માટે સંપૂર્ણ તૈયારીઓ પણ કરાઈ છે ને આ કથા લગભગ 4:30 ઉપરાંત ચાલુ થાય તેવી પણ શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે। પરાગ અગ્રવાલ, જી મીડિયા, અંબાજી।